आज का जो विषय है, आज का विषय है नेक कार्य। नेक कार्य करना चाहिए। सर ये नेक कार्य क्या होता है सर? हाँ, कैसे? हाँ। नेक कार्य कहते किसको है? नेक कार्य से तात्पर्य आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई प्यासा है उसे आप पानी पिलाएं, पानी पिलाने से नेकी होती है। कोई बूढ़ा व्यक्ति है आप उसे सड़क के इस पार से उस पार करवाएं। कोई अनजान व्यक्ति है, पहली बार शहर आया है, वो अगर पूछ रहा है कि इस पते का सही एड्रेस क्या है तो आप उसको सही एड्रेस बताएं। ये सारा नेक काम है। जो भूखा बुजुर्ग है, कोई छोटा बच्चा रो रहा है उसे कुछ फल देना। कि कोई भूखा व्यक्ति है, भूख से बहुत तड़प रहा है, आप उसे खाने के लिए दें, ये एक नेक कार्य है। ये काम करने से यश, आयु, विद्या बढ़ती है और समाज में आपका नाम होता है। लोग गर्व से कहते हैं ये वही लड़का है जिन्होंने ऐसा नेक काम किया। तो आप लोगों का आज सब्जेक्ट है नेक कार्य। आप लोग जब आज क्लास खत्म होने के बाद बाहर जाएं तो याद रखें हर लड़का एक एक नेक कार्य करके लाएगा। जो भी बन पड़े, या छोटा बच्चा को कुछ देना हो या कोई भूखा है उसे कुछ खिलाएं, तो सबसे अनुरोध है घर जाना है और कल आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने कौन सा नेक काम किया है। ठीक है यार, आज तो नेक काम करके आया है सर, देखना पूरा खुश होंगे हम लोगों से। देखो कितना तारीफ करते हैं हम लोग का। बाढ़ में जाए दुनिया सारी, आज तो है अपनी बारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो। क्या बात है, आज बहुत जोश में हो सर। एपी पे एंजल प्रिया को लोग कहते रहे फेक, हमने काम कर दिया नेक। वाह वाह, ये सब बच्चे भविष्य के कर्णधार हैं। कल मैंने दिया नेक कार्य पे और आप लोगों ने कर लिया। अच्छा, आप लोग से ही उम्मीद थी। आप लोग का ही बस एक नई दिशा देखना चाहता हूँ, नई भारत की ओर। आप लोग के कारण ही भारत का नया सोच बदलेगा। चलो अच्छी बात है। ओके ठीक है, तो मैं पूछता हूँ किसने क्या किया। तो सबसे पहले ऋषभ। ऋषभ आप बताइए आपने ये काम क्या किया। सर मैंने कल एक बूढ़े आदमी को रोड पार कराया सर। वो बूढ़ा बहुत ही मतलब बीमार था, खास रहा था, मैंने उसको रोड की इस पार से उस पार किया। अरे बारी सब, तुमने तो बहुत अच्छा नेक काम किया, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। तुम पे भारत का भविष्य टिका हुआ है, हमें लग रहा है तुम कुछ ही दिनों में भारत के अगले कुछ मंत्री पद पे जाने वाले हो। बहुत अच्छा, गुड, कीप इट अप। ओके अब बारी आती है रोहित की। रोहित अब बताओ तुमने क्या किया। सर मैंने भी सर एक बूढ़ा आदमी को सड़क पार कराया सर। वाह रोहित, तुमने भी सड़क पार करवाया, बहुत अच्छा लगता है दोनों ने एक ही काम किया। चलो अच्छा है, कुछ तो किया। चलो अब बारी आती है सोनू की। सोनू तुम बताओ तुमने क्या किया। पता सर मैंने भी रोड पार करवाया। तुमने भी रोड पार करवाया। एक बात समझ में नहीं आ रही है, तीनों आदमी मिलके एक ही काम कैसे किए? और भी बहुत सारा काम था तो तीनों मिलके एक ही काम कैसे किए? मतलब कंफ्यूज है, क्या ठीक किया तुम लोग बताओ, ये समझ नहीं आया है। एक आदमी और तीनों आदमी एक ही काम कर रहे हो, क्या किया आखिर तुमने? मैं समझे सर, हम तीनों जब कल कोचिंग से निकले ना। दोस्त सर बोले हैं ना कि नेक काम करने के लिए प्यासे को पानी पिलाओ, बूढ़े को रास्ता पार कराओ। नेक काम जानते हो रास्ते में भी होता है। दोस्त मिल गया। क्या मिल गया? नेक काम मिल गया। कहाँ? वहाँ देखो। लगता है यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार है, देखो कितनी बुरी तरह से खांस रहा है। इसको लगता है रोड के इस पार से उस पार जाना है। हाँ नेक काम भी हो जाएगा। चलो इनसे बात कौन करेगा? चिंता ना कर भाई, मैं करता हूँ। बाबा क्या कैसे हैं बाबा? ठीक हूँ। आपका लगता है तबीयत खराब है? नहीं थोड़ा सा। बाबा हमारे टीचर ने बोला है क्या कि नेक काम करने से ना यश, विद्या और आयु बढ़ती है, और मुझे लगता है कि आपको रोड के इस पार से उस पार जाना है। मुझे रोड के उस पार क्यों जाना है, मेरा घर तो यहाँ। चलिए ना, टीचर ने बोला था कि किसी प्यासे को पानी पिलाना, बूढ़े को रोड के इस पार से उस पार ले जाना, यह नेक काम होता है। चलिए ना बाबा। नहीं जाऊँगा। बाबा नहीं जाऊँगा। थोड़ा देखिए
अबे नहीं जाऊंगा बोला ना। चलिए ना थोड़ा देर के लिए चलिए। नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा चलिए ना बाबा प्लीज। नहीं जाऊंगा। नहीं जाइए। एक बार बोलिए जाइए कि नहीं जाइए। नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा। नहीं। अरे टीचर ने हम लोग को इतने अच्छे से बताया और आप हम लोग को नेक काम करने से रोकिएगा। हो गया आज नेक काम। हो गया नेक काम। सर तो बहुत खुश होंगे हम लोग से कल। चलो सर अच्छा काम किए ना सर। अच्छा काम किए। कौन अच्छा काम किए हो है? जबरदस्ती किसी बुढ़ा को उठा कर पटक दोगे? अच्छा काम हुआ ये सर। नेक काम। नेक काम सर। काम करने भी बोलते हैं और मारते भी हैं। नहीं करेंगे ऐसे। नेक काम नहीं करेंगे।